दोस्तों यार ऑनर लेके आ गया है अपना और एक नया ब्रांड न्यू मिड रेंज स्मार्टफोन जो फाइनली आज चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है ऑनर ने। तो क्या है फ़ोन का स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसके प्राइस, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आज आपसे बात करूंगा यही ऑनर 8C के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिंग एसके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार दिल से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो छोटा सा नोटिफिकेशन बेल है उसको भी लाजमी से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कैसा है फ़ोन का लुक्स और डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लुक्स से। तो दोस्तों इस फ़ोन का जो लुक्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और प्रीमियम होने वाला है, मतलब कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको ज़्यादा मिलता है इस फ़ोन का। 80.4% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। इसके लिए आपको फ़ोन का जो लुक्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने लायक होगा। तो आप आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले से। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है 6.26 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला एक 720p वाला डिस्प्ले, जिसके अंदर है एक छोटा सा नॉच और नॉच के अंदर है एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो अब आते हैं इसकी स्टोरेज पे। तो दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है 2 वेरिएंट, जिसके अंदर आपको 4GB RAM 32GB स्टोरेज, 4GB RAM 64GB स्टोरेज, जी आपको 2 ही वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं इसकी प्रोसेसर पे। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 632 वाला चिपसेट, 632। जी हाँ दोस्तों, क्वालकॉम ने इस प्रोसेसर को अनवील किया था इसी साल जून के महीने को, जो प्रोसेसर बनाया गया था 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के अंदर। ग्राफिक्स के लिए आपको मिलता है एड्रीनो 506 का GPU। तो काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है, क्योंकि आपको मिड बजट में आपको इस तरह का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि क्वालकॉम का 632 वाला चिपसेट है वो काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। तो अब आते हैं इसकी कैमरे पे। तो दोस्तों इसका जो मेन हाइलाइटिंग फीचर है इसका है AI, मतलब कि AI टेक्नोलॉजी को इस फ़ोन के अंदर ज़्यादा काम में लिया गया है, चाहे वो कैमरे हो चाहे वो फ़ोन का परफॉर्मेंस हो। फ़ोन के अंदर आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर आपको 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा का AI सेंसर देखने को मिल जाएगा। जो 13 मेगापिक्सल का सेंसर है उसका एपरेचर f1.8 है, वो सेकेंडरी कैमरा है उसका एपरेचर f2.4 है। जो सेकेंडरी कैमरा है उसको यूज़ किया गया मोनोक्रोमा के लिए। आप आते हैं सेल्फी कैमरे के, तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काम में लिया गया है आपकी फेस डिटेक्शन के लिए, मतलब कि फेस अनलॉक के लिए, जो काफ़ी एक्यूरेट और फास्ट काम करेगा। अब आता है इसकी बैटरी पे। तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है 4000 mAh की बड़ी बैटरी। हालांकि इसमें आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपको 5V 2 A का एक बेसिक चार्ज तो मिलेगा ही। तो दोस्तों ये है पूरा कंप्लीट पैकेज फ़ोन का स्पेसिफिकेशन। अब आते हैं फ़ोन की कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आप हाई एंड ग्राफिक्स गेम खेल सकते हो, जी हाँ बिल्कुल भी खेल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एड्रेनो 506 का GPU मिलता है। इसमें आपको PUBG जैसे गेम भी आराम से खेल सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको बहुत ऐसे सारे सेंसर्स मिल जाएगा, जैसे कि जायरोस्कोप, प्रोक्सीमेट्री, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस ID, ब्लूटूथ 4 का सपोर्ट और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ मिल जाएगा जो आपके लिए बेसिक काम आ जाएगा। तो ये है पूरा कंप्लीट पैक है जो कि ऑनर 8C का। बात है प्राइसिंग पे। तो दोस्तों इस फ़ोन का जो प्राइस है चाइना के अंदर करीब 999 इसका जो प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है, और अगर यही 999 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर तो करीब आता है 10,700 के आसपास। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छी प्राइस रेंज के अंदर आपको एक अच्छा प्रोसेसर, अच्छा बैटरी, अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों देखते हैं ये फ़ोन इंडिया के अंदर कब लॉन्च होता है और क्या प्राइस लेके आता है ऑनर। उम्मीद किया जा रहा है कि ऑनर से ये भी काफ़ी जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा और इसका जो प्राइस काफ़ी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और अगर कोई भी सवाल हो ऑनर 8C को लेकर तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिंग एसके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और Realme 2 का गिव अवे कॉन्टेस्ट अभी भी चल रहा है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। और बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।